नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ पूजा लूथरा और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। वेल, आज का वीडियो हाईली इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाला है। आज का हमारा स्पेशल प्रॉप है ये चम्मच। जी हाँ, ये चम्मच बताएगा आपके हेल्थ के राज। आपको कौन सी बीमारी है ये बताने वाला है, और आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा और आपकी हेल्थ रिपोर्ट आपके हाथ में होगी इस चम्मच की मदद से। तो इस चम्मच की हेल्प से आप बहुत बहुत इजीली अपनी हेल्थ इश्यूज़ को, अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को डायग्नोज कर सकते हो। लग रहा है ना बहुत ही अजीब कि जिस चम्मच से हम रोज़ाना खाना खाते हैं, खीर पूड़ी चावल खाते हैं, उससे हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स कैसे पता चल सकती हैं। तो मैं बताने वाली हूँ आपको कैसे पता चल सकती है। वीडियो को गौर से देखिएगा, पूरा देखिएगा, और अगर मेरे वीडियोज़ आपकी इतू से भी हेल्प करते हैं देन लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे मुझे मिलती है ढेर सारी मोटिवेशन आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा काम करने की। चलिए बताती हूँ ये चम्मच कैसे बताएगा आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में। तो ये स्पून टेस्ट या ये स्पून हेल्थ चेकअप आपको करना है सुबह खाली पेट, इवन पानी भी नहीं पीना है, ठीक है। तो आपके पूरे रात की लार आपके मुंह में होनी चाहिए, तभी ये अच्छे से टेस्ट रिपोर्ट देगा, ठीक है। कैसे करोगे टेस्ट आप इससे? तो आपको इस चम्मच का उल्टा भाग, यानी कि ये बाहर वाला भाग, अपने मुँह के अंदर अपनी जीभ पर रब करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक कि इस पर पूरी तरह से लार नहीं लग जाती है। बताती हूँ कैसे करना है। यू हैव टू डू लाइक दिस फॉर 1 to 2 मिनट्स। आपको पता चल जाएगा कि इस पर वो रबिंग हो रही है और लार आपको दिखाई देने लगेगी विद इन 1 मिनट। तो इस तरह से आपके मुंह की लार या थूक वगैरह जो भी है इस पर लग जाएगी। अब आपको क्या करना है, एक पॉली बैग लेना है, ट्रांसपेरेंट पॉली बैग लेंगे, या फिर आप जिप पाउच ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो लेना है। देखिए मैंने जिप पाउच लिया है। इस स्पून को आपने इस जिप पाउच के अंदर डाल देना है। याद ये रखना है कि जहाँ आपने अपनी टंग का सैंपल दिया है इस चम्मच पर, जहाँ पर आपकी लार लगी है, वो टच नहीं होना चाहिए आपके हाथ से, मतलब वो उतरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बड़े सावधानी पूर्वक आपने स्पून को इसमें डाल दिया। अब इस स्पून के साथ इस जिप पाउच को आपने रखना है सूरज की तेज़ रोशनी में, सुबह सुबह की जो तेज़ रोशनी होती है उसमें रखेंगे, या फिर आप रखेंगे तेज़ लाइट में। सपोज़ रोशनी सूरज की नहीं है, बारिश का मौसम है, या फिर अर्ली मॉर्निंग आप उठे और आप टेस्ट कर रहे हैं और अभी सूरज प्रॉपरली निकला नहीं है, मतलब तेज़ धूप भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप ट्यूब लाइट के नीचे रख देंगे इसको फॉर 10 to 15 मिनट्स, या फिर तेज़ बल्ब कोई जल रहा है आपके घर में तो वहाँ आप उसके नीचे रख देंगे। 10 मिनट्स के लिए रखना है स्पून को। 10 मिनट्स में आपको आपकी हेल्थ रिपोर्ट मिल जाएगी इस स्पून की हेल्प से। बताऊँ कैसे, क्या क्या सिम्टम्स आपको देखेंगे, क्या निशानी होगी आपको किस हेल्थ प्रॉब्लम की, बताती हूँ। देखिए 10 मिनट्स के बाद आपने ये स्पून लेना है, निकालना है इसको जिप पाउच से, पहले इसको सूंघना है। अगर आपको तेज़ गंध आ रही है, बदबू आ रही है, यू नो समटाइम्स वी हैव सम इन्फेक्शंस इन आवर बॉडी, जिसकी वजह से बदबू भी आ सकती है, और भी कई सारी जो निशानियाँ हैं वो मैं आपको बताऊँगी। तो सूंघिए इसको, तेज़ बैड स्मेल आ रही है आपको, दैट मीन्स कि आपके लिवर में और आपके पाचन तंत्र में, यानी कि इंटेस्टाइन्स में कुछ खराबी है। बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं आपकी बॉडी में जिन्हें फ्लश आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में आप 1-2 दिन की फास्टिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपका पाचन तंत्र सही हो जाए, सही तरीके से काम कर सके, और या फिर आप लिक्विड या फ्रूट डाइट पर जा सकते हो। तो ठीक है, ये तो हुआ अगर बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आ रही है। तो अगर आप इसे सूंघते हैं और आपको एक फ्रूटी सी, स्वीट सी स्मेल आ रही है, फ्रूटी एंड स्वीट स्मेल आ रही है अगर इससे, दैट मीन्स कि आपको अब मीठा छोड़ना पड़ेगा, आपके डायबिटीज़ की शुरुआत हो चुकी है, ब्लड शुगर लेवल आपका स्पाइक अप हो रहा है, एंड आपको थोड़ा सा परहेज़ करना पड़ेगा।
अगर आपको फ्रूटी स्मेल आती है तो आप दालचीनी का काढ़ा रोज़ सुबह खाली पेट बना करके पीजिए, इससे आपका ब्लड शुगर लेवल स्टेबलाइज होगा। अलसी खाइए, खाने में फाइबर ज़्यादा इंक्लूड कीजिए, ठीक है। अब तीसरा निशान, अगर आपको इसमें अमोनिया जैसी गंध आती है, अमोनिया की गंध आई एम श्योर आपको पता होगी, अमोनिया जैसी गंध आ रही है बिल्कुल, तो क्या सिम्टम है ये? आपकी किडनी में या तो कोई इन्फेक्शन है, या आपकी किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, या आपको यू नो यूरिन से रिलेटेड कोई इशू है, या किडनी में पथरी हो गई है, मतलब किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर इसमें अमोनिया जैसी गंध आ रही है। तो ये तो हुआ सूंघना। अब बताती हूँ कि इस स्पून पर स्पॉट्स आ सकते हैं, कोई अगर इस स्पून पर वाइट स्पॉट्स आते हैं जगह जगह पर, थोड़ी देर में स्पॉट्स से बन गए हैं, वाइट वाइट से हल्के हल्के आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके शरीर में कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो लंग इन्फेक्शन हो सकता है, वो किडनी इन्फेक्शन हो सकता है, वो आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, अगर इस पर वाइट स्पॉट्स बनते हैं या वाइट धब्बे बनते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको स्पून को देख करके लग रहा है कि उस पर ऑरेंज या नारंगी से धब्बे बन रहे हैं, दैट मीन्स अगेन आपकी किडनी में कोई इश्यू है, ठीक है। और तीसरा, अगर इसमें बैंगनी यानी कि पर्पल कलर के धब्बे हैं, पर्पल कलर के कुछ स्पॉट्स से आपको दिखाई दे रहे हैं थोड़ी देर में ही, दैट मीन्स कि आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, या तो ब्लॉकेज है हार्ट में जगह जगह पर, आर्टरीज में ब्लॉकेज आ गई है, या फिर आपका बीपी हाई हो रहा है, या फिर आपके हार्ट रेट में कोई इशू है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, तो हार्ट पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो अगर बैंगनी धब्बे या फिर पर्पल कलर के धब्बे आपको दिखाई देते हैं तो अलर्ट हो जाइए, बीपी को मैनेज कीजिए। बीपी को मैनेज करने के लिए सबसे अच्छा घरेलू नुस्खा प्याज का रस होता है। सुबह खाली पेट अगर आप 3 से 4 चम्मच प्याज रस पीते हैं तो बीपी आपका स्टेबलाइज हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ये भी आपको बैंगनी धब्बों से दिख जाएगा, तो अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप या तो घिया यानी कि लौकी का रस पीना शुरू कर दें सुबह, और 2 कलियां लहसुन की खाना शुरू कर दें। दालचीनी भी बहुत अच्छा उपाय है कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए। तो देखा आपने ये चम्मच कितने राज खोल सकता है आपकी सेहत के। जी हाँ, इसे सिर्फ एक चम्मच मत समझिएगा, ये आपकी हेल्थ रिपोर्ट आपके हाथ में दे सकता है। तो हमारी किचन में ही ये हमारी चम्मच रूपी लैब में टेस्ट कराइए, और अपनी हेल्थ को अपने हाथों में रखिए, यानी कि कोई भी सिम्टम, कोई भी सिग्नल अगर आपको आपकी बॉडी दे रही है तो उसका तुरंत इलाज कराइए, बिकॉज ये जो बॉडी हमें मिली है ना, ये किस्मत वालों को मिलती है, नहीं तो बहुत सारे एनिमल्स भी हैं इस धरती पर, और बहुत सारे ट्रीज प्लांट्स भी हैं, ठीक है। ये बॉडी अगर ह्यूमन बॉडी मिली है, बहुत किस्मत से मिली है, तो इसका पूरा ध्यान हमें रखना है। तो चम्मच से इस तरह से टेस्ट कीजिए, और इसके बाद इस टेस्ट को प्रूव करने के लिए लैब टेस्ट ज़रूर कराइएगा, उसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम निकलती है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए, और रेमेडीज़ यूज़ कीजिए, अगर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता तो मेडिसिंस पे आइएगा, लेकिन अपनी हेल्थ को सबसे पहली इम्पॉर्टेंस ज़रूर दीजिएगा। ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं मिलूँगी आपसे एक बहुत अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ मनाइए।